अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो होगी मोरिंगा के हवाले से। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि मोरिंगा के क्या बेनिफिट्स हैं, मोरिंगा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मोरिंगा पे वीडियो बनाएं, तो आज मैं बना रही हूँ। मोरिंगा के बारे में मैं बताती चलूँ कि ये एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है जो कि पाकिस्तान में पहले बड़ी आसानी से अवेलेबल होती थी। जब से इसके हमें फ़ायदे पता चले हैं ये नायाब होती जा रही है। यूके यूएसए में अगर आप देखें तो इसके 20 से 30 हज़ार रुपये का एक छोटा सा पैक मिलता है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 20 से 30 हज़ार रुपये का एक छोटा पैक इसका मिलता है और पाकिस्तान में भी अब ये 2 से 3 हज़ार रुपए के पैक पे आ गई है। सो काफ़ी ज़्यादा मोरिंगा जो है वो महंगा होता जा रहा है। मोरिंगा जो जड़ी बूटी है काफ़ी ज़्यादा महंगी होती जा रही है। इसके फ़वाद क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा ख़वातीन के लिए, स्किन को ये बहुत बेहतर कर देती है, स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो स्किन पर लेकर आती है। वजह यह है कि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, इसके अंदर आयरन मौजूद है और ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी स्किन को बेहतर करती हैं। आयरन की कमी की वजह से एक तो ख़वातीन में वैसे बहुत सारे मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। आयरन की कमी चाहे मर्द को है चाहे औरत को है, स्किन पेल होना शुरू हो जाती है, स्किन हमारी पीले रंग की होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हम फ्रेश नज़र नहीं आते, मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है, ट्रीटमेंट्स कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। मोरिंगा जो है वो आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर इसके एक सर्विंग 10 ग्राम बनती है या 2 से 3 चाय के चम्मच बनती है। इसकी एक सर्विंग के अंदर जितना हमें आयरन चाहिए उसका 30% मौजूद है। जितना हमें दिन में आयरन चाहिए उसका 30% इसकी एक सर्विंग यानी 2 से 3 चाय के चम्मच के अंदर मौजूद होता है। सो पहली चीज़ तो ये कि ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। एनीमिया, जिसको खून की कमी हुई हुई है, वो बच्चा भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, वो खातून भी और वो बुज़ुर्ग या बड़े भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये हमारी जाहिर है जब आयरन की हमारी कमी पूरी होगी तो स्किन भी ग्लो करेगी। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक तो हमारी स्किन को बेहतर करेंगे, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, और दूसरा ये मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिन लोगों को सिक्स पैक्स बनाने हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कौन से एंटी ऑक्सीडेंट है। पहला एंटी ऑक्सीडेंट है विटामिन ए। विटामिन ए जितना हमें डेली चाहिए इसके 2 से 3 चाय के चम्मच के अंदर उसका 20% मौजूद है। विटामिन ए एक तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम सब जानते हैं आंखों के लिए हमें गाजर खानी है क्योंकि गाजर के अंदर विटामिन ए है। सो विटामिन ए का उससे भी अच्छा सोर्स हमारे पास मोरिंगा जो है अवेलेबल है। इस वक्त हमारा पेट भी उससे नहीं भरेगा, हम इसको स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, हम इसकी चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मददगार साबित होता है, कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है। सो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है मोरिंगा। अब इस सबको मैं दोबारा से एक दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता रिपीट करती हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। स्किन के लिए मोरिंगा बहुत अच्छा है क्योंकि स्किन के लिए हमें एक तो आयरन को देखना होता है, विटामिन ए जो कि बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है, विटामिन के जो कि बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जो कि स्किन के लिए अच्छे होते हैं। सो पहला इसका ये फ़ायदा है कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है उनके लिए बहुत अच्छा है। कब्ज़ का अगर किसी को मसला होता है तो हमने फ़ाइबर का इंटेक बढ़ाना होता है। फ़ाइबर जो है वो कब्ज़ से निजात दिलाने में मददगार साबित होता है। जितना हमें डेली फ़ाइबर चाहिए उसका 24% इसके 2 से 3 चाय के चम्मच के अंदर मौजूद है। सो बहुत आसान है इसको लेना, लेना भी मुश्किल नहीं है। आप चाय के कप के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्मूदी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ से निजात दिलाने में ये फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम की अच्छी मिकदार है, कैल्शियम भी हाजमे के लिए फ़ायदेमंद होता है। जितना हमें डेली कैल्शियम चाहिए उसका 25% इसके 10 ग्राम के अंदर या 2 से 3 चाय के चम्मच के अंदर मौजूद है। सो कैल्शियम भी हाजमे को बेहतर करता है, दूसरी चीज़ फ़ाइबर वो भी हाजमे को बेहतर करती है। सो ये कब्ज़ से निजात के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तीसरा इसका फ़ायदा जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ वो है मसल स्ट्रेंथ, यानी कि जो लोग प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोटीन शेक्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। मसल बिल्डिंग के लिए या मसल ट्रेनिंग के लिए जो लोग प्रोटीन का इंटेक अपना बढ़ाना चाहते हैं ये उसका बहुत अच्छा सोर्स है। जितना हमें प्रोटीन चाहिए वो भी 25% ही इसके अंदर मौजूद है। जितना हमें डेली प्रोटीन चाहिए उसका 25% इसके 2 से 3 चाय के चम्मच के अंदर मौजूद होता है। जो लोग गोश्त नहीं खा सकते, जो लोग गोश्त जिनकी एक्सेस नहीं है या वैसे कोई मसला है, वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, वो मोरिंगा का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। किसी किस्म की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हुई हुई है प्रोटीन को लेकर तो ये उसको ठीक करने
करने में मददगार साबित होगा। चौथा इसका फ़ायदा ये आता है कि ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने बताया कि जितना हमें कैल्शियम चाहिए उसका 24% इसके 2 से 3 चाय के चम्मच के अंदर मौजूद है। सो कैल्शियम हम जानते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा है, दांतों की मजबूती के लिए अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। सो कैल्शियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारी हड्डियों को। जिन खवातीन को मसला होता है, जोड़ों में दर्द हो रही होती है, हड्डियों में दर्द हो रही होती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन भी बहुत फ़ायदेमंद होगी और कैल्शियम भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा जो इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो भी दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। अगला इसका ये फ़ायदा आता है कि ये स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो एडेप्टोजेंस हैं वो स्ट्रेस को नीचे लेकर आते हैं। हमारी रूटीन आजकल इतनी बिजी होती जा रही है, हर इवन हम बच्चों को भी देखें तो उनको भी स्ट्रेस है। स्कूल के बच्चे कह रहे होते हैं हमें एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। सो आप अपनी मॉर्निंग टी को, अगर आप कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय सुबह उठ के चाय का इस्तेमाल करते हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद मोरिंगा टी। आपने चाय के 1 से 2 चम्मच लेके पानी गर्म करें, पानी में इसको या तो डायरेक्ट उबाल लें या पानी चूल्हे से उतारने के बाद आप इसको शामिल कर सकते हैं। माचा टी की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर आ जाएगा लेकिन ज़ाहिर है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा और हमारी इम्यूनिटी को भी वो बूस्ट करेगा। अगला इसका ये फ़ायदा आता है कि ये एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा मेंटेन रखता है। जिसलिए मैंने आपको कहा कि सुबह में इसका इस्तेमाल करें, मॉर्निंग टी के तौर पर इसका इस्तेमाल करें, आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी बैलेंस रहेगा। ये एनर्जी को कैसे बूस्ट करता है, एक कार्टून आते थे बचपन में जिसमें हम देखते होते थे कि जब कोई लड़ाई करनी होती थी तो वो बंदा स्पिनच खाता होता था, क्योंकि स्पिनच आयरन का सोर्स है। इसके अंदर भी आयरन, जैसे मैंने बताया, जितना हमें चाहिए उसकी अच्छी खासी मिकदार इसके अंदर मौजूद है। सो ये आयरन लेवल हमारा बूस्ट करता है जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो कैल्शियम है वो भी एनर्जी को रिलीज करने में मददगार साबित होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मददगार साबित होता है। सो जो हमारा एनर्जी लेवल है वो इसके अंदर मौजूद आयरन और कैल्शियम की वजह से मेंटेन रहता है। इसके अलावा कुछ रिसर्चेस ये सपोर्ट करती हैं कि ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल करें। हम जानते हैं शुगर के पेशेंट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। फाइबर इसके अंदर अच्छी खासी मकदार के अंदर मौजूद है, वो शुगर लेवल को भी मैनेज करेगा, वो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा, वो ओवरऑल हमारी हेल्थ को भी बेहतर करेगा। सो सुहांजना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने पहले बताया, या तो आप इसकी चाय बना लें, 2 से 3 चम्मच आप सुबह उबाल के उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या पानी को चूल्हे से उतारने के बाद उसमें सुहांजना शामिल करके वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको अपने सालन में शामिल कर सकते हैं। जैसे कड़ी के पत्ते होते हैं, 1 चाय का चम्मच आप घर के खाना जैसे बना रहे होते हैं उसमें शामिल कर दें, या आप इसकी कोई स्मूदी बना सकते हैं स्पिनच के साथ। इसका बेसिकली टेस्ट भी ना थोड़ा सा पालक की तरह का होता है। सो आप इसको स्पिनच के साथ उसके अंदर एप्पल डालें, उसके अंदर क्यूकम्बर डालें, थोड़े से सीड्स, अगर आपको चिया सीड्स या बेजल सीड्स डालने आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली आप इसकी स्मूदी बना के या तो नाश्ते में ले लें, नाश्ते के साथ भी वो आपकी एनर्जी को भी मेंटेन करेगी, वो पूरा दिन आपको एक किक स्टार्ट पूरे दिन के लिए दे देगी। अगर आपको नाश्ते में पसंद नहीं है तो आप स्नैक के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ये आपका वेट लॉस भी कराएगा। वेट लॉस इसलिए कराएगा कि ये आपको काफ़ी देर भूख नहीं लगने देगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जाहिर है प्रोटीन हमारे वेट लॉस में मददगार साबित होता है। इसके अलावा आप अनहेल्दी ईटिंग से बच जाएंगे। बजाय इसके कि आपने सुबह 11 बजे कुछ हल्के फुल्के चिप्स खाने हैं या बिस्किट खाने हैं चाय के साथ, उसके निस्बत आप स्मूदी का इस्तेमाल करते हैं तो वह वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद होगा, वो ज़ाहिर है स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, आपको पूरा दिन अच्छा भी फील होगा, कॉन्स्टिपेशन से भी निजात दिलाएगा और ज़ाहिर है हेल्दी ईटिंग में भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।